एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जा रही हूँ बाहर घूमने के लिए, और मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ वो मैं आपको रास्ते में बताऊंगी। तो चलो चलते हैं। और मेरे साथ जा रहा है सागर, और यहाँ पे अनी को थोड़ा सा अनी। और यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं जाने के लिए। सो आज है 13 फेब, और अभी बज रहे हैं 4 बजे हम लोग निकल गए थे। वैसे तो हम लोग सब आलसी की तरह बैठे हुए थे, कोई मोबाइल पकड़ा था, कोई सोया हुआ था। तो फिर मम्मी ने कहा कि जल्दी जाना है तो जाओ, नहीं तो आने में लेट हो जाएगा। इसलिए फिर हम लोग जल्दी जल्दी फटाफट तैयार हुए और निकल गए। सो दोस्तों, अभी अभी हम लोग पहुँचे हैं अंबुजा मॉल। अब जा रहे हैं इसके पार्किंग में, कार पार्किंग करेंगे। और आज संडे है तो हो सकता है कि अंबुजा मॉल में भीड़ हो। वैसे तो मुझे पता ही है कि भीड़ रहने ही वाली है, क्योंकि आज संडे है, सब आते हैं। यहाँ पे अंदर में पार्किंग नहीं कर रहे हैं हम लोग, साइड में ही लगा रहे हैं। अंदर में शायद पार्किंग फुल हो चुकी है, पता नहीं क्या रीज़न है मुझे भी, बट हम लोगों ने यहाँ साइड में ही पार्क कर दिया है अपनी कार को। ये है हमारा अंबुजा मॉल। पर्सनली मुझे अंबुजा मॉल आना बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, आती हूँ तो यहाँ अच्छा ही लगता है। और यहाँ से हम लोग घुसने वाले हैं अंदर, तो चलो चलते हैं, कुछ मज़े करते हैं यहाँ पे। जैसे ही अंदर घुसती हूँ यहाँ पे पूरी शॉपिंग की ही वाइब्स आती है, कपड़े, ज्वेलरी और थोड़े से मेकअप, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ पे वीक ऑफ लव चल रहा है, क्या है मैं जाकर देखती हूँ और आपको बताती हूँ। यहाँ पे कपल्स के बीच में गेम वगैरह होने वाला है, फिर आप ये स्कूटी होंडा सब जीत सकते हैं यहाँ पर। और सागर यहाँ पे बाटा के शॉप में जाते हुए, यहाँ पे हम लोग तो नहीं गए थे क्योंकि हमको तो यहाँ से कुछ ख़रीदना ही नहीं है, उसी को कुछ कुछ देखना है, इसलिए वो गया है। इस साइड प्यारा सा फाउंटेन बना हुआ है। यहाँ पे सागर के आने के बाद हम लोग जा रहे हैं आगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। हम लोग का डेस्टिनेशन हर बार H&M ही होता है। जैसे ही अंबुजा मॉल आते हैं सबसे पहले हम लोग H&M ही जाते हैं। यहाँ ये तो फेमस है रे। नहीं वो तो मालूम है बट। दोस्तों अभी H&M में चल रहा है अच्छा खासा सेल। कुछ कुछ चीज़ों पे आपको भयंकर ऑफ़र मिल जाएगा, और कुछ कुछ चीज़ों पे अभी ऑफ़र नहीं चल रहा है। लेकिन जिन जिन चीज़ों पे ऑफ़र चल रहा है मुझे तो कम ही प्राइस लगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे भी चल के कि कौन कौन से चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा ऑफ़र चल रहा है। और यहाँ पे कुछ कुछ क्रॉप टॉप्स और टॉप्स रखे हुए हैं, मुझे जो पसंद आ रहे थे इस टाइप के टॉप्स मुझे पसंद है, ये क्रॉप वाले बेसिक। इस साइड पूरा ठंडी के कपड़े रखे हुए हैं, लेकिन अभी हमको ठंडी वाले चाहिए ही नहीं क्योंकि अभी भयंकर गर्मी पड़ने वाला है। लग रहा है मुझे रायपुर में अभी से ही गर्मी गर्मी का माहौल हो गया है। और इस साइड मुझे क्यूट सा ब्लैक सा टॉप दिखाई दे रहा है, देख लीजिए, ब्लैक क्यूट मस्त बेसिक में। और इधर कुछ वन पीस टंगे हुए हैं, फिर से यहाँ पे स्वेट शर्ट हुडीज वगैरह लगे हुए हैं। H&M में आए हुए अभी हम लोग को पूरे 10 मिनट हो गए हैं। मेरा भाई सागर वो बॉयज़ सेक्शन से अपने लिए कुछ कुछ देख रहा है, तो हम लोग को ज़्यादा टाइम मिल गया यहाँ पे कलेक्शन देखने का। और इधर पार्टी वेयर टॉप्स लगे हुए हैं, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं पिछली बार आई थी तो भी ये था। और इस साइड भी कुछ बेसिक हैं, वाइट वाला शर्ट हमेशा देखती हूँ तो जब भी मुझे लगता है कि मुझे एक लेना है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल नहीं लेना यहाँ से।
सो सबसे कम प्राइस मुझे अभी बूट्स का ही लग रहा है। 999 में आपको ये सारे बूट्स मिल जाएंगे। अभी मैं हर बार आती थी तो कभी सेल नहीं चल रहा होता था तो प्राइस हाई होता था, और जब सेल चल रहा होता था तो सारी जो चीज़ें उनका साइज़ मुझे नहीं मिल पाता था। लेकिन इस बार बहुत सारे साइज़ मुझे देखने को मिले यहाँ पर, लाइक 6.5, 5 और 6, इस टाइप का साइज़ आपको अभी मिल जाएगा रायपुर के H&M में। मैंने 6 ट्राई किया तो 6 मुझे बड़ा हो रहा था, फिर 5.5 ट्राई किया तो वो भी बड़ा हो रहा था, और जो 5 नंबर मुझे लगने वाला था वो अभी भी मुझे नहीं दिखा। तो फिर अभी मैं नहीं ले रही हूँ, कभी और आऊँगी तो फिर 5 नंबर वाला बूट्स लेकर यहाँ से जाऊँगी। इधर भी बहुत सारा सेल चल रहा है, 599 में आप लोअर वगैरह ले सकते हैं। इधर 999 वाला सामान मैं आपको और दिखा देती हूँ। इधर भी ये वाले बूट्स भी है ना, वो भी आपको 999 में मिल जाएंगे, इधर लोअर 599 के। इस साइड पर्पल कलर के ये जो क्रॉप शर्ट है वो देखने को मिले, इसमें कोई भी छूट नहीं चल रहा था 999 में। आपको ये वाले जो पर्पल कलर के शर्ट है क्रॉप वाले वो मिल जाएंगे। इधर भी ये क्यूट क्यूट से क्रॉप टॉप्स है, ये भी मुझे पसंद है। और यहाँ पे ब्लैक कलर में आपको वन पीस मिल जाएगा। इधर जो ब्लैक वाला शर्ट था वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था पहनने पे, और ज़्यादा वो खूबसूरत लगने वाला है। सो अब मैं यहाँ से बाहर निकलने वाली हूँ। शूज़ खोजने में और ट्राई करने में हम लोग को टाइम लग गया था क्योंकि अनी भी ट्राई कर रही थी। सो नीचे वाली फ्लोर में हम लोग जब भी आते हैं तो H&M में जाते हैं, और जब भी ऊपर वाली फ्लोर में आते हैं तो हमेशा लेंसकार्ट में जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा जो चश्मा है हम लोग का लेंसकार्ट से ही बना हुआ है। मेरा भाई तो हमेशा वहीं से ही बनवाता है, और अभी मुझे भी बनवाना है। तो मैं देखने के लिए आई थी कि यहाँ पे क्या क्या कलेक्शन है चश्मे का। और नाइट में अंबुजा मॉल का लुक और भी ज़्यादा अच्छा आता है क्योंकि जो सारी लाइटिंग्स है वो अच्छे से चालू हो जाती है, तो देखने में और भी ज़्यादा प्यारा लगता है ये अंबुजा मॉल। तो फर्स्ट फ्लोर भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक सब यहीं पे ही कर रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। बट अंबुजा मॉल की यही बात अच्छी लगती है कि यहाँ पे बैठने के लिए बहुत सारी जगह आपको मिल जाएंगी। ऊपर भी गार्डन जैसा बना हुआ है, नीचे में भी आप बैठ सकते हैं, बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। तो यही बात मुझे अंबुजा मॉल की अच्छी लगती है। यहाँ पे नीचे में जो कार्यक्रम है वो चालू हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहूंगी यहाँ होंडा प्रमोशनल इवेंट में, जहाँ पर होंडा लेकर आए हैं आप सभी के लिए 3 स्पेसिफिक फुल्ली फीचर। ये जो है होंडा की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है, यहाँ पे गाना बज रहा है, बच्चों को गेम्स खिलाए जा रहे हैं। गाना जैसे ही ख़त्म होगा मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे जो मैम है वो क्या बोल रही हैं। सभी बच्चों को चॉकलेट्स दी जाए, और ऐसे ही हमने सिर्फ बच्चों के लिए नहीं कपल्स के लिए भी बहुत सारे गेम्स रखे हैं, तो आप आगे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे एक कपल दिख रहा है सामने, आ जाइए प्लीज आप लोग। नहीं इधर कपल, ओके 2 मिनट के लिए अगर आप इसको हैंडओवर कर सकते हैं अपना बच्चा, बिल्कुल नहीं।
ओके सो जोरदार तालियां हो जाए सारे ही बच्चों के लिए। सो यहाँ पे कोई भी कपल्स है वो गेम खेलना नहीं चाहते थे, तो फिर गेम कैंसिल हो गया कपल वाला। सो दोस्तों अभी हम लोग को लग गई है बहुत ही तेज़ भूख और हम लोग जाते जा रहे हैं आगे। आगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये तो आपको पता लग ही गया होगा अभी तक। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हम लोग क्या क्या खा रहे हैं तो फिर इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। सो दोस्तों ये मेरी अनी का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है इसलिए हम लोग घूमने आ गए थे शाम को 4 बजे यहाँ निकले थे घर से और अभी शाम होते जा रही है। यहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें किए, बहुत ज़्यादा मज़ा मस्ती किए और फिर भूख भी लग गई है खा पी के। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे घर। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कैसा टेस्ट है बता दे, कैसा टेस्ट है किस कैसा बताओ, क्या नाम है आपका ये बता दो जोर से। आराध्या, ये सिर्फ बर्गर खाने को पैदा हुई है। बर्गर, इसका जन्म सिर्फ बर्गर खाने के लिए हुआ है। कोक पीने के लिए पैदा हुआ है। सिर्फ कोक पीने के लिए पैदा हुआ है। आपका क्या नाम है, क्या राघव? दोनों बर्गर मैकडॉनल्ड्स प्रेमी, रेगुलर कस्टमर है हमारे, मैकडॉनल्ड्स रेगुलर कस्टमर। थैंक यू। और सागर यहाँ पे वेट कर रहा है हमारा नंबर आने का। हम लोग आराम से बैठ गए हैं, बेचारा जो है हमारे बर्गर का इंतजाम कर रहा है। और यहाँ अंदर में बच्चों के लिए प्लेग्राउंड एरिया भी बना हुआ है जहाँ पे जो है बच्चे खेल सकते हैं, जिससे आपको वो परेशान नहीं करेंगे। सो ये हमारा चिकन बर्गर और जो ये फ्राइज़ है वो आ गया। ये मेरा और अनी का है क्योंकि सागर वेजिटेरियन है, वो आलू टिक्की बर्गर और पिज़्ज़ा पफ खा रहा था। तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ मेरा चिकन बर्गर कितना लाजवाब दिख रहा है ये। और इधर फ्राइज़ भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दिखाई दे रहा है, ऊपर में वो शायद मेयोनीज़ डाला है और इसके अंदर भी मेयोनीज़ डाला गया है। मैं खोल के आपको दिखाती हूँ, एक हाथ में पकड़ के यूज़ करने में कैमरा मुश्किल हो रहा है। खाने के बाद हम लोग थोड़ा बिग बाज़ार जा रहे हैं क्योंकि मम्मी घर में कुछ सामान मंगवाई थी हम लोगों से, वही लेने के लिए हम लोग अभी जा रहे हैं। यहाँ पे मैं भी कुछ सामान देख रही हूँ, जब तक मेरा भाई मम्मी का सामान ले नहीं लेता। तो मम्मी को लिप्टन ग्रीन टी चाहिए था, मम्मी ग्रीन टी पीना चाहती है तो वही हम लोग यहाँ पर लेने के लिए आए हुए थे। अब यहाँ से पेमेंट करेंगे और जल्दी जल्दी जाएंगे घर। यहाँ पे भी बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए ट्रेन्स और ये बाइक्स वगैरह हैं जिनका राइड वो ले सकते हैं। बच्चों के इंटरटेनमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है मॉल में, ऐसा मुझे लगता है। तो चलो अब मैं जा रही हूँ घर। एक बार फिर से मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तभी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस और ला पाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।